नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सचार, किस तरह कृष्ण शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताने चाहेंगे। आज है 12 तारीख, दिन है शनिवार का और साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहा है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो शुभ समय है प्रातःकालीन का 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक रहेगा। दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं निकालिए, मगर आज हम आपको खास चीज़ ये बताने वाले हैं, काला तिल क्या हमारे दुख दूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बताएंगे, मगर उससे पहले राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसे रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का क्या कहता है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 1, 5 नंबर। मेष राशि वालों, आपके लिए 5 नंबर 1 कहता है, आज के दिन आपके लिए किसी महिला का सहयोग बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। किसी महिला के सहयोग से बहुत ज़्यादा आपके लिए तरक्की हो सकती है, कोई काम भी बन सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, 8 नंबर। वृषभ राशि वालों, आपके लिए अचानक कोई काम मिल सकता है जिसका बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। योजना आपकी सफल हो जाएगी, व्यापार में आपको आज सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आज आपका मेहनत जो है रंग लाने वाली है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी मिथुन। मिथुन राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, 7 नंबर। मिथुन राशि वालों, आपके लिए बता दें, आज जो है चोट लग सकती है पैरों पे, कहीं ऐसे आपको जो है चोट वगैरह के थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी बरतनी है, अन्यथा जो है कष्ट हो सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर कहता है कर्क राशि वालों आपके लिए 9 नंबर ये कहता है कि आज जो है कोई अच्छा कार्य, कोई खरीदारी वगैरह आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। और साथ ही एक चीज़ ये भी है कि आज अपनी माँ का थोड़ा सा सम्मान करिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, 6 नंबर। सिंह राशि वालों, आपके लिए बता दें, आज किसी को उधार ना दें, उधार देंगे तो हो सकता है कष्ट हो, क्योंकि वो आपका बाद में जब पैसा मांगेंगे तो आपका शत्रु भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा और साथ ही अपने पैसे का आज ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4, 10 को काउंट करते एक ये बताते हैं कि एक नंबर ये बता रहा है कि आज आपके हर जगह नंबर 1 काम होने वाला है, यानी कि मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही आज आपके अधिकारी वर्ग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि तुला। तुला राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर कहता है नंबर 3, नंबर 3, नंबर 2, 8 नंबर। तुला राशि वालों, आपके लिए बता दें, कहीं खरीदारी अगर कर रहे हैं तो खरीदारी में हो सके तो आप जो है धन राशि का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, यानी सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ज़्यादा खर्च करने से हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3, 7 नंबर। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बता दें, आज जो है कहीं किसी के साथ में कोई बहुत समय से आप बातचीत करना चाहते हैं, किसी मित्र से मिलना चाहते हैं तो आज किसी पुराने मित्र से बातचीत होगी, पुरानी बातों को लेके आज तो अपना आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है, पूरी तरीके से आज प्रसन्न रहेंगे, मित्रों के साथ में आपका समय व्यतीत रहेगा। हम बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि है भाई धनु। धनु राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर कहता है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 3। काउंट करते हैं 11 को तो 2 नंबर ये बताता है धनु राशि वालों, आज आपके लिए घूमने फिरने का हो सकता है कोई ऐसा मौज मस्ती का कोई प्लान बने, आप परिवार में अपनी जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है कहीं कोई ऐसी यात्राएं वगैरह भी कर लें, जो छोटी मोटी यात्रा जो पास की है वो आपके लिए आपके जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा यानी खुशहाल बना देगी। आप थोड़ा सा अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को किसी से शेयर करें, क्योंकि धनु राशि वालों आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते जिसकी वजह से आप दुखी भी रहते हैं। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मकर। मकर राशि वालों, भाग्य पास एक नंबर कहता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, 5 नंबर। मकर राशि वालों, आपके लिए बता दें कि आज जो है अचानक कोई काम में आपको सफलता प्रदान होगी, कहीं कोई रुका हुआ कार्य आपका बनेगा, जो कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह की कोई बातचीत है तो उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, क्योंकि वाद विवाद में बस बनना पड़ेगा, मगर आपके कार्य आज कोई बनने वाला है, इसके साथ ही किसी दूसरे के विवाद में ना पड़े। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। काउंट करते हैं 12 को तो 3, 3 ये बताता है आज पूरी तरीके से आज जो है भगवान के तरफ आपका रुझान रहेगा, भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है कामकाज तो करेंगे ही करेंगे, मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि आज जो है खर्च जो है आपके धार्मिक चीज़ों पे खर्च भी हो सकता है, कोई भी धर्म के नाम पे कोई मांगने आ जाए तो आप हो सकता है आज आप जरूर दे दें। इसके साथ ये है कि आज जो भी कार्य करें तो भगवान की पूजा आराधना करके उनको जो है थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि
मीन, मीन राशि वालों भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है, नंबर एक, नंबर तीन, नंबर एक, पांच नंबर। मीन राशि वालों आपके लिए पांच नंबर तो ये कहता है कि आज जो है संतान पक्ष की तरफ से बहुत अच्छा खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान के करियर को लेकर थोड़ा सा जो चिंतित है वो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी रहने वाला है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि आज जो है अपने ससुराल पक्ष के लोगों का सम्मान करने से हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ अनोखा गिफ्ट भी मिल जाए। चलिए हम बताते हैं कि वो क्या चीज है। काले तिल से क्या हमारा कष्ट दूर हो सकता है? बिल्कुल। यहां देखेंगे भगवान शंकर को जब हम गंगा जल चढ़ाते हैं उसमें काला तिल डाल के चलाएं, इससे जो है काला तिल डालकर जो आपने जल चढ़ाया है इससे हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं, साथ ही आर्थिक समस्या हमारी दूर हो जाती है। जब आप पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन, तो कच्चा दूध और जल, उसमें काला तिल और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तब भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। काला तिल यदि घर में कोई ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी परेशानी है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी है उसके ऊपर से तीन मुट्ठी, एक मुट्ठी लीजिएगा फिर तीन बार घुमाइएगा, इसी तरीके से तीन मुट्ठी उसके ऊपर से काला तिल यानी उसानना है। उसानने के बाद उस तिल को उठाकर आपने किसी चौराहे पे फेंक देना है या पीपल वृक्ष के नीचे डाल देना है। उसके बाद अब काला तिल हमारे जब अमावस्या के दिन जब हम ब्राह्मण को दान करते हैं तब जो है काला तिल, काली उड़द और साथ ही जो है आप अगर घर में जो भी दक्षिणा मिठाई या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको अगर दान करते हैं तो यकीन मानिए इससे भी जो है आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। काला तिल और कच्चे कोयले एक साथ काले कपड़े में लपेट के सवा सवा किलो के हिसाब से अपने ऊपर से उसार कर शनि ग्रह की शांति के लिए यदि उसको पानी में विसर्जित करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहता है, या नवग्रह मंदिर में रख दीजिए। काला तिल को का हवन करने से भी महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती है। तो ये था काला तिल का जो हमने उपाय बताया जिससे हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, महालक्ष्मी की कृपा बनती है। तो इसीलिए काला तिल का महत्व हमने आपको बताया, इसको जो है आप जरूर कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। हम एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं मुलाकात। जय महादेव।